दोस्त तो मंदिर तो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर देखते ही कि बहुत से लोगों की आदत होती है कि वे खड़े खड़े कर दर्शन करते हैं, जबकि शास्त्रों के अनुसार ये गलत है। इसलिए मंदिर जाए तो ये ध्यान रखें कि मंदिर में भगवान के दर्शन हमेशा बैठ कर करें। साथ ही दर्शन करते समय ये ध्यान रखें कि सबसे पहले मूर्ति के चरणों को देखें, नतमस्तक होकर प्रार्थना करें, फिर देवता के वक्ष पर मन एकाग्र करें और अंत में देव मूर्ति के नेत्रों की ओर देखें और उनके रूप को अपने नेत्रों में बसाएं। मंदिर में कुछ भी मांगने या प्रार्थना करते समय दान लेने की, समायाचना या आशीर्वाद लेने की अवस्था में बैठकर प्रार्थना करें। इससे आपकी हर मनोकामना तो शीघ्र ही पूरी होगी, साथ ही मंदिर जाने के पूर्ण सकारात्मक परिणाम भी मिलेंगे। हे परमात्मा, आपके सिम कृपा मुझ पर बरस रही है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये मन में सोच कर जाए, जरा सोचिए हमने क्या छोड़ा। हमने चोटियाँ छोड़ी, टोपी पगड़ी पाग छोड़ी, तिलक चंदन छोड़ा, धोती कुर्ता पहनना छोड़ा और यज्ञ पवित्र संध्या वंदन छोड़ा, रामायण का पाठ और गीता पाठ छोड़ा, महिलाओं लड़कियों ने साड़ियाँ छोड़ी, दुपट्टा चुनरी छोड़ी और पैसे के लिए बच्चे छोड़े, संस्कृत छोड़ी, हिंदी छोड़ी, श्लोक छोड़े, बच्चों के सारे संस्कार छोड़े, सुबह शाम मिलने पर राम राम छोड़ी और चरण स्पर्श पैर छूना छोड़े और घर परिवार छोड़े। अब कोई रीति या परंपरा बची है, ऊपर से नीचे तक गौर करो, हम कहाँ पर हिंदू हैं और भारतीय हैं या सनातनी हैं, क्षत्रिय या वैसे हैं, कोई हमें नहीं बता सकता कि हम क्या हैं। हम धीरे धीरे बदल रहे हैं और जल्द ही समाप्त भी हो जाएंगे। तो दोस्त, इस बात को जरूर ध्यान रखें, अपनी पहचान बनाओ और मूल संस्कारों को अपनाओ। सप्ताह में कम से कम एक दिन तो मंदिर जाना शुरू करो अपने बच्चों के साथ में। इससे परिवार में आपसी स्नेह बढ़ेगा और हमेशा प्रेम बना रहेगा।